स्वामी बाग का अपना अलग धार्मिक महत्व है। यहीं पर बोस्टन क्लिनिक में बैठकर दुनिया भर के मरीजों का उपचार करते डॉक्टर दया किशोर हाजरा बरबस ही ध्यान आकर्षित करते हैं, जिन्हें इस वर्ष सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए डीएलए परिवार गौरव का अनुभव करता है। डॉक्टर हाजरा को देखकर आप महसूस नहीं कर सकते हैं कि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्ती से रूबरू हैं। अपने अनुसंधान के लिए एक बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हो चुके डॉक्टर हाजरा का आगरा में बस नाम ही काफी है। न्यूक्लियर मेडिसिन में किए गए उनके काम की पहचान विश्व स्तर पर है। उन्हें इसी वर्ष भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। 16 सितंबर 1942 को डॉक्टर हाजरा का जन्म डॉक्टर जतेंद्र नाथ हाजरा और श्रीमती पुष्पा हाजरा के घर में हुआ। माँ पुष्पा हाजरा अजमेर में सावित्री गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल रहीं। डॉक्टर हाजरा की प्रारंभिक शिक्षा सेंट पीटर्स कॉलेज से हुई और यूपी में सीनियर कैम्ब्रिज में प्रथम रहे। इसके बाद सेंट जॉन्स कॉलेज से उन्होंने बायोलॉजी में बीएससी की। उन्हें उस समय बीएससी का बेस्ट स्टूडेंट माना गया और चांसलर मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और 1965 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। वह लगातार प्रथम रहे। यहीं से उन्होंने वर्ष 1968 में एमडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर हाजरा 1974-75 में कॉमनवेल्थ फेलो चुने गए और लंदन यूनिवर्सिटी के मिडिलसेक्स हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल से न्यूक्लियर मेडिसिन में एमएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1988 में लंदन से ही पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने फेलो नेशन अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, फेलो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस तथा फेलो इंडियन कॉलेज ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन भी रहे। इसके साथ ही डॉक्टर हाजरा इंडियन अकेडमी ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन, रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन और न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ साइंस के भी फेलो रहे। डॉक्टर हाजरा की सबसे प्रमुख खोज प्रथम टीएसएच सेंसिटिव एंटीबॉडी इम्यूनो रेडियोमेट्रिक एसे रहा। इसकी खोज 1975 में उन्होंने लंदन में की थी, जब वह यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एमएससी की थीसिस तैयार कर रहे थे। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में निदेशक प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष पद से 2000 में अवकाश ग्रहण करने वाले डॉक्टर हाजरा ने डायबिटीज पर कई प्रमुख कार्य किए। उनके तीन प्रमुख रुचि के विषय रहे, इनमें थायराइड, डायबिटीज और कैंसर हैं। इनमें उनके कार्य और अध्ययन ने उनकी पहचान विश्व स्तर पर कराई और मेडिकल साइंस का उन्हें एक बड़ा वैज्ञानिक माना गया। एसएन मेडिकल कॉलेज के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ए के गुप्ता, एम्स में ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर ललित कुमार, एम्स के ही डॉक्टर संजीव मित्तल, दून के पद्मश्री डॉक्टर आर के जैन, एम्स के डॉक्टर संजीव सिन्हा, एम्स के ही डॉक्टर राकेश यादव, अपोलो अस्पताल के डॉक्टर डी के अग्रवाल, बरेली के डॉक्टर सुदीप सरन, यहीं के डॉक्टर भारत कालरा और न्यूरोलॉजी के डॉक्टर अनिल गुप्ता को डॉक्टर हाजरा अपना बेहतरीन छात्र मानते हैं। वर्ष 2000 में ही एमिरेट्स मेडिकल साइंटिस्ट बने डॉक्टर हाजरा ने भारत में पहली बार कैंसर के टारगेटेड इलाज की विधि का प्रयोग भी किया था। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कैंसर सेल को ढूंढकर सिर्फ उन्हीं को नष्ट किया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें इसकी इजाजत दी थी। हालांकि बाद के वर्षों में एसएन मेडिकल कॉलेज में इसका उपचार बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके लिए जिस उपचार विधि का आविष्कार उन्होंने किया था उसके लिए कॉलेज में विशेषज्ञ नहीं थे। इस विधि से उन्होंने रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की जरूरत को कम कर दिया था। वैसे भी डॉक्टर हाजरा का कहना है कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में वे सेल्स भी नष्ट हो जाते हैं जो स्वस्थ हैं, जबकि कैंसर सेल को खत्म करने के लिए इसे ध्यान में रखकर उपचार किया जा सकता है। डॉक्टर हाजरा वाइस डीन इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, डीन इंडियन कॉलेज ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के यूपी चैप्टर के अध्यक्ष, सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन के भारत के अध्यक्ष, लंदन के न्यूक्लियर मेडिसिन कम्युनिकेशन के एडिटोरियल बोर्ड के सदस्य, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियो लेवल्ड ब्लड एलिमेंट्स के निदेशक और इंडियन अकेडमी ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन के अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर हाजरा इस समय इनोवेटिव कैंसर थेरेपी और रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही वो आगरा डायबिटीज फोरम के अध्यक्ष भी हैं। दूसरों की तकलीफों को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाली इस शख्सियत को सलाम।